एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो किस तरह से हुई थी, किस तरह से टारगेट फिक्स किए थे। सूत्रों के हवाले से कि पीओके के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के बम गिराने की तकनीकी की एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है। एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में 5 टारगेट फिक्स किए थे, जिसमें पहले 2 मेन टारगेट थे जबकि अगले 3 टारगेट सेकेंडरी थे। पहला टारगेट आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करना था, दूसरा टारगेट आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले और उनके हैंडलर्स थे, तीसरा जैश ए मोहम्मद के रीजनल हेडक्वार्टर को बनाया गया था और चौथा टारगेट आतंकी मसूद अजहर का गेस्ट हाउस था और पांचवा यानी कि अंतिम टारगेट वो ग्राउंड था जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एयरफोर्स के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोवाल की ओर से साफ निर्देश थे कि किसी भी धार्मिक स्थल और आम नागरिक को इस हमले में नुकसान ना हो, जबकि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जरूर मारे जाएं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जो तस्वीरें आप ने इंडियन न्यूज जो दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो साफ है कि किस तरह से तबाही का मंजर उस वक्त हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो इसके उलट था कि आए बम गिराए इंडियन आर्मी वाले एयरफोर्स वाले और भाग गए। देखिए, ये एक बहुत ही रोचक चीज है और ये भी अभी हम एक नई जानकारी दर्शकों को दे दें जो आज तक कभी किसी भारतीय चैनल ने बताई नहीं है। जो मोडस ऑपरेंडे था, जो टैक्टिक्स थी भारतीय वायुसेना की, वो इस तरह से थी। पहले डेकॉय किया गया, जिसे एक डायवर्जन कहते हैं, डायवर्जन किया गया। 4 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बढ़े बहावलपुर की तरफ। बहावलपुर भी एक और आतंकवादी ठिकाना है, कैंप है, और उस समय पे पाकिस्तानी वायुसेना के एक एवैक्स मतलब जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जो हवा में रेडार होता है, वो एक एयरक्राफ्ट पे लगा होता है, वो और 2 फाइटर जेट के साथ में नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही भारतीय वायुसेना को पता चला कि ये एक एवैक्स है और 2 फाइटर जेट हैं, हमने 4 फाइटर जेट भेजे बहावलपुर की तरफ, और जैसे ही वहां पे गए वो पाकिस्तानी वायुसेना के एवैक्स और फाइटर जेट उनकी तरफ भागे। पीर पंजाल जैसे ही पहुंचे, जो कि बॉर्डर है भारतीय पाकिस्तान का, एलओसी का, वहां से इंडियन एयरफोर्स के 4 विमान तुरंत यूटर्न मारे, ऊपर की तरफ चले गए। उस समय में काफी समय और जगह मिल गई भारतीय वायुसेना के जो एक्चुअल 12 मिराज 2000 फाइटर जेट थे, उन्हें जाकर बालाकोट में स्ट्राइक करने की। जब जैसे ही 12 भारतीय वायुसेना के विमान बढ़े बालाकोट की तरफ, तब पाकिस्तान को समझ में आया कि ये तो डायवर्जन किया था। तब उन्होंने उस फाइटर जेट को और एवैक्स को रिटर्न किया करने को इस तरफ कहा, लेकिन तब तक हमारे पास काफी समय और जगह थी कि एयर स्पेस में कि हम उतना आराम से घुस के अंदर मार के आए। और मैं एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं, लगभग 150 किलोमीटर दूर थे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू जहाजों से पाकिस्तान के एवैक्स और उनके जो फाइटर जेट्स थे। तो किसी भी तरह से हमारे कोई चिंता की बात नहीं थी कि जल्दी जल्दी डाल के बॉम्ब आ जाना है, हम आराम से बॉम्ब डाल के आए। लेकिन आशीष, जो तस्वीरें जारी की थी पाकिस्तान की तरफ से, वो था कि जंगल में कहीं डाल दिए बॉम्ब, उस तरह की इमेज उन्होंने जारी की है। अनदर गुड क्वेश्चन, यू नो जितेंद्र, क्या है कि जिस समय सुबह सुबह डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पिक्चर ट्वीट किया था कि पहाड़ों में और जंगलों में बम मार के आए हैं, उस समय उन्हें पता नहीं था कि भारतीय वायुसेना ने किस वेपन का इस्तेमाल किया है। स्पाइस 2000 वेपन जो होता है, मिसाइल है, वो कभी भी क्रेटर गड्ढा नहीं करता है। जब भी वो अटैक जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा, जहां वो गिरेगा, वो एक अपहीवल स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक ढेर सा ऊपर दिखाई देगा जहां पर होगा, वो गड्ढा नहीं करता है बल्कि ढेर बनाता है। ये उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गड्ढी वाले तस्वीरें ट्वीट कर दी, जल्दबाजी में बयान जारी कर दिया, और उनको यही पता नहीं था कि किस मिसाइल का या किस वेपन का यूज किया गया भारत सरकार की तरफ से या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। बिल्कुल, और उन्हें उन्होंने लगभग 1.5-2 घंटे बाद ही 5:30 बजे के आसपास में, जब जिस दिन अटैक हुआ था बालाकोट में, तुरंत ट्वीट कर दिया उन पिक्चर्स के साथ में, पुराने पिक्चर्स निकाल के उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये स्पाइस 2000 वेपन का इस्तेमाल हुआ है। स्पाइस 2000 आप कभी भी जाके गूगल में जाके देख लीजिए, वो गड्ढा नहीं कभी क्रिएट करता है, वो MiG-21 के या फिर अलग कोई वेपन्स होते हैं, वो उस तरह के इम्पैक्ट, जो क्रेटर जिसे कहते हैं, उस तरह का इम्पैक्ट। आपने जो मिसाइल 2000 की जो खासियत बताई, तो उससे तो लगता है कि जिस तरह से काम करता है, जो इसका खतरनाक काम करने का तरीका है, उससे तो कोई आदमी शायद जो वहां होगा वो जीवित बचने की उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए जब NTRO का भी यही काम था कि वो पहले चेक कर रहे थे कि कितने मोबाइल वहां पर एक्टिव है, जैसे ही पता चला कि ये स्ट्राइक हुआ, उसके बाद में
300 में से एक भी मोबाइल चालू नहीं थे। जब आदमी नहीं बचेगा तो फिर मोबाइल कहां से होगा? यानी कि 300 यानी कि जो 300 350 का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है वो सही हो सकता है? देखिए, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है नंबर को लेकर। ये श्योरिटी है कि बम गिरा है और आतंकी मारे गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज था, पहली बात मैसेज कन्वे करना पाकिस्तान को कि हम घुस के मारेंगे, जो कि अब तक हुआ नहीं था, तो वो एक मैसेज कन्वे हुआ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जिस तरह से जो लोकेशन है वहां पर वो आतंकी है, वो एक कैनन फॉर्डर घास फूस की तरह है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। ठीक है, 200 या 250 हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये है और ये दावा है और ये अपोजिशन जो बार बार समूह मोदी सरकार से मांग रहा है उसके लिए आंखें खोलने वाला है, जो हमारे सहयोगी आशीष सिंह ने उपलब्ध कराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दिखाई, इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाई है, और ये अपोजिशन के नेताओं को भी देख लेनी चाहिए कि ये सबूत है जो एयर स्ट्राइक हुई है, उस एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जो इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों का सफाया किया। और साफ तौर पर जिस तरह से मिसाइल 2000 की बात आशीष बता रहे हैं कि किस तरह से वो काम करती है, तो जाहिर है कि एक भी दुश्मन जो आतंकवादी के तौर पर था वो एक भी नहीं बचा होगा इसके बाद। अब लगता नहीं कि और अपोजिशन को सबूतों की जरूरत होगी। और इससे संबंधित जो बड़ा खुलासा, अभी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और ज्यादा सबूत और ज्यादा खुलासा इंडिया न्यूज आपको शाम को 7 बजे करेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। अभी समय चला छोटे से ब्रेक का।